स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिता अशोकन एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है, देखिएगा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया, कुछ सिद्धांत कुछ नीतियां अपनाई, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए जितने भी नियम कानून हमने अपनाए, जो हमने बनाए, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। तो हम कब आजाद हुए, 1947 को हमारा देश जो है वो आजाद हुआ। उसके बाद हमने 1950 में 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में हमने किस पर ज्यादा ध्यान दिया, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का टाइम क्या था, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में हमने जो किस पर ध्यान दिया, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर हमारा विशेष ध्यान रहा। तो तब हमने पॉलिसी बनाई औद्योगिक विकास के लिए कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट किस प्रकार की जाए। तो उसके लिए हमने कुछ नियम कुछ सिद्धांत तैयार किए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, औद्योगिक नीति। तो यहाँ हमारा कौन सी नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो ये हमारी कौन सी थी, औद्योगिक नीति 1956। तो इसकी भी क्या थी, कुछ मेन फीचर्स थी। तो वो क्या मेन फीचर्स थी, किस पर सरकार ने इस टाइम क्या है ज्यादा बल दिया, तो क्या कुछ था इनमें। तो देखिएगा सबसे पहले तो इसमें हमारा क्या आता है, जो मेन फीचर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री या डिवीजन ऑफ इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री को इस पॉलिसी में हमने 1956 में उद्योगों के विकास के लिए जो नीति अपनाई, उसमें हमने इंडस्ट्री को 3 भागों में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो पहले में हमने किसको रखा, पब्लिक सेक्टर्स को रखा। पब्लिक सेक्टर्स का दूसरा नाम आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्री कह सकते हो। तो पब्लिक सेक्टर जो है इसको आप गवर्नमेंट कंपनी का भी नाम दे सकते हो, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज का भी नाम दे सकते हो। तो इसमें पब्लिक सेक्टर में 17 उद्योग रखे गए, 17 इंडस्ट्री थी, जिसको जो सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकती थी, गवर्नमेंट ही लगा सकती, प्राइवेट सेक्टर वो स्टार्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या उत्पादन कैसे कब सारे डिसीजन किसके अंदर थे, गवर्नमेंट के अंदर थे। तो ये जिनकी मालिक कौन थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थी। तो वो सेक्टर्स जो हमारे जिनकी मालिक गवर्नमेंट थी वो पब्लिक सेक्टर में आ जाते थे, या जिनको हम गवर्नमेंट कंपनी कह सकते थे। तो ये 17 जो इंडस्ट्री थी वो इस सेक्टर में थी। उसके बाद हमारा पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कम मतलब दोनों, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर्स। तो यहाँ पर फिर भी दोनों ही सेक्टर है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी, लेकिन जो मेन रोल था वो किसका था, यहाँ भी पब्लिक सेक्टर का था। और जो सेकेंडरी रोल था वो किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। नई इकाई लगाने का अधिकार किसको था, पब्लिक सेक्टर को था। हाँ, विकास करने और उनका संचालन करने की छूट किसको थी, प्राइवेट सेक्टर को भी थी। लेकिन यहाँ भी हम कह सकते हैं मेन रोल इसमें भी किसका था, हमारा पब्लिक सेक्टर का ही था। तो इसमें क्या रखे गए, 12 उद्योग रखे गए। अब फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर, तो इसको हम प्राइवेट कंपनी का भी नाम दे सकते हैं कि ये जो कंपनियां थी प्राइवेट थी, इनका ओनर्स कोई प्राइवेट व्यक्ति था। वो किस प्रकार से काम करवाएगा, क्या वो सारे डिसीजन उसके अपने थे। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में क्या था, इन दोनों सेक्टर्स में, इसमें 17 उद्योग थे, इसमें 12 उद्योग थे, ये देने के बाद जितने भी बच गए वो किसको दे दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। तो यहाँ पर दोनों में हमने पहले तो क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को इंडस्ट्री की क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। अभी तुझे इतने 17 मिले, तुझे 12 मिले। उसके बाद भी कुछ इंडस्ट्री बच गई, वो किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग,
अब ये थोड़ी कोई किसी का मन करे उद्योग तो दे दिए भाई, ये उद्योग कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन अपनी मन मर्जी से कोई कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। उसके लिए उनको क्या करने थे, नए उद्योग को लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। और ठीक है, एक बात होगी उसको कि लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस जिसको मिल गया वही अब क्या कर सकता, वही प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति क्या कर सकता था, नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता था, जिसको लाइसेंस नहीं मिला वो नहीं लगा सकता था। और फिर है हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए भी क्या गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अब बगैर परमिशन ये नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है कि पहले वो 200 यूनिट प्रोडक्शन करता है किसी वस्तु की बनाता है कि सिर्फ 4 मशीनें थे। अब वो अपने स्केल को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, बिल्डिंग को इंक्रीज करना चाहता है। 4 मशीनें थी, अब वो मशीनें 10 करना चाहता है। अब वो जो पहले क्या है पर डे हम कहते 200 यूनिट पैदा करता था, वो पर डे 2000 यूनिट करना चाहता है या 200 से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, तो उसको पहले क्या लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो मनमर्जी नहीं थी, तो हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर पर भी देखो बहुत सारी क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, उस पर भी क्या थी काफी पाबंदियां थी। फिर है हमारा मोटिवेट टू ओपन अ कंपनी इन बैकवर्ड एरिया, कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बैकवर्ड एरिया में जो कंपनी इस्टेब्लिश करनी है उसके लिए उसको सरकार क्या करेगी, मोटिवेट कर रही है इस पॉलिसी के अंतर्गत जो 1956 की औद्योगिक नीति थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया कि वो अपनी इंडस्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश करें, बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करें। उसके लिए मोटिवेट किसको किया, हम बच्चों को कुछ करवाने के लिए क्या देते हैं, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देकर उसको बहलाते हैं, तो यहाँ भी उनको बहलाने वाला करने के कि उसको आने वाले कुछ समय के लिए सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, तो टैक्स फ्री कर देगी कुछ समय के लिए इंडस्ट्री, तो उनको सरकार कुछ विशेष सुविधाएं देगी, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाएगी सरकार, उनको बिजली की फैसिलिटी देगी, उनको जो लोन है उसमें सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से उनको लुभाया गया कि वो इंडस्ट्री को कहाँ पर इस्टेब्लिश करें, बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करें। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI, तो इसकी डेवलपमेंट क्यों बल दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर, देखिएगा इसलिए बल दिया गया क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या होती है, ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। यहाँ ज्यादातर काम किससे किया जाता है, हाथ से किया जाता है, मशीनों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तो जब हाथ से काम किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, ये जब हम बात करते हैं ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये ही हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य को फुलफिल करने में सक्षम होती है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम हाथ से सबसे ज्यादा श्रमिक यही खपा पाएंगे। तो इसको इनको इसलिए भी इम्पोर्टेंस देगी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में मदद करेगी, या हम कहेंगे कि जो बेरोजगारी उसको घटाने में मदद करेगी। दूसरा ये क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है उस को इक्वल करने में भी हमारे मदद करेंगे, कि मोस्टली कहाँ पर है, ये तो हर जगह पर मोस्टली गांव में ही इस्टेब्लिश होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ग्रामीण एरिया में हमारी ज्यादा होती हैं, तो वहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें जो वेल्थ है वो सभी के हाथों में थोड़ा थोड़ा, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं मजदूर है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी को मिल जाता है, तो इसलिए भी इनको क्या किया गया, ज्यादा इनको महत्व दिया गया। फिर इसमें क्या है, लोकल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, लोकल कैपिटल है उसका यूज होगा, तो हम कहेंगे जो स्थानीय साधन है उनका ज्यादा इसमें प्रयोग होते हैं। पर ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि हम इसकी डेवलपमेंट गवर्नमेंट चाहती क्यों थी, लेकिन उससे पहले कि इसकी फीचर्स क्या हैं, कि जो हमने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखिएगा आज के टाइम्स की यदि हम बात करें, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, 5 करोड़ रुपए से कम है, 5 करोड़ तक जिसकी है, 5 करोड़ से कम है, इसका मतलब वो क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उससे ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ जाती है। तो 5 करोड़ तक
की जिससे नीचे जिसकी क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। लेकिन जब हम आजाद हुए थे तो ये हमारे क्या थी 5 लाख तक की निवेश सीमा थी इनकी, उनको हम कहते थे। अब ये बढ़कर 5 लाख से 5 करोड़ हो चुकी है। फिर इसकी विशेषता ये है कि ये हमारे क्या है इसमें लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स है वो यूज की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क किसलिए किया जाता है, श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, मशीनों का इसमें कम से कम प्रयोग किया जाता है। फिर ये जो है हमारी ऑल ओवर द कंट्री हर जगह पर क्या होती है इनका फैला होता है। ये नहीं कि जिस प्रकार हमने कह दिया कि जो बिग इंडस्ट्री है वो तो क्या है कुछ एरिया में स्टेब्लिश होंगी तो युद्ध वगैरह में इनके नष्ट होने का खतरा भी एक शहर में स्थित होगी उसी शहर पर बुरा डाल दिया तो ये खत्म हो गया। लेकिन इन इंडस्ट्री का क्या है फैलाव हर जगह पर होता है तो इनका खत्म करना भी वहां भी इनका महत्व है कि इनको खत्म करना आसान नहीं, ये तो हर जगह पर हथकरघा है। उद्योग है वो हर जगह पर है, उसी प्रकार दरी उद्योग है वो कहीं भी लगाया जा सकता है। तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है वो कहीं भी गांव के आसपास और गांव में से वहां वर्कर मिल जाते हैं तो इसलिए हम वो एक जगह पर इकट्ठी नहीं है, इनका एक जगह पर केंद्रीकरण नहीं होता, इनका फैलाव रहता है पूरे कंट्री में। फिर है हमारा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को इस पॉलिसी ने इम्पोर्टेंस दी। तो इसमें क्या था सरकार इस पॉलिसी में चाहती थी कि जो पिछड़े एरिया हैं क्यों उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री स्टेब्लिश की जाए। इसके लिए स्वयं सरकार भी आगे आ रही थी कि वो ऐसी जगह पर उद्योग लगाएगी जहां पर कोई और उद्योग नहीं लगे हुए, क्योंकि जहां पर क्या है सस्ते मजदूर मिल रहे हैं या रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है तो वहां पर तो क्या है पानी की जो सुविधा है वहां पर तो हर कोई क्या लगा लेता है इंडस्ट्री लगा लेता है। लेकिन जहां पर हम कहेंगे कुछ एरिया में बिल्कुल भी इंडस्ट्री नहीं लगी वो इंडस्ट्री के रूप से क्या थे बैकवर्ड थे, तो बैकवर्ड थे तो उन जगह के लोगों को तो रोजगार नहीं मिल पाया। जहां फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई वहां के लोगों को रोजगार मिल गया वो क्या हो गए प्रोस्पर्स हो गए अमीर हो गए वो तो। लेकिन उस एरिया में जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं वहां के युवा क्या हो रहे हैं बेरोजगार हैं फिर रहे हैं। तो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था इस प्लानिंग में ये था हमारा कि जो बेरोजगार हैं उनको वही काम मिल जाए उनको माइग्रेट ना होना पड़े, इसलिए कि हर एरिया में क्या हो इंडस्ट्री को स्थापित किया जाए। तो सरकार ने भी पहल की और सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया कि वो ऐसा करे, उसको सरकार ऐसा करने के लिए क्या है मोटिवेट कर रही है प्रलोभन दे रही है कि हाँ ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सुविधा सरकार फ्री में देगी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था बैलेंस ग्रोथ का था कि उद्योग सभी क्षेत्रों में फैले, ये नहीं है कि एक जगह पर उद्योग फैल गए बाकी जगह पर ना फैले, नहीं सभी क्षेत्रों में उद्योगों का क्या हो फैलाव हो। फिर है हमारा फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल हमारी क्या थी विदेशी पूंजी, नए नए आजाद हुए थे हमें डर लग रहा था कि कहीं विदेशी हमें फिर से गुलाम ना बनाए, तो उस समय हमारी फॉरेन कैपिटल्स पर काफी पाबंदियां थी। लेकिन फिर भी इसमें हमने 40% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री में आने की इजाजत दी, तो फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आ गया। हमारा फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार क्या कर रही है फेयर ट्रीटमेंट कर रही है। तो इस पॉलिसी में ये महत्व दिया गया कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप होने के क्या करेगी अवसर प्रदान करेगी, उनको वित्त की सुविधा है, उनको यातायात सुविधाएं हैं, तो उनको ऊर्जा की सुविधाएं हैं वो सरकार क्या है प्रोवाइड करवाएगी ताकि वो इंडस्ट्री भी क्या उसकी वेल्थ उसकी। तो सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, उनको सारी सारी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करवाएगी जिस प्रकार से वो ये सुविधाएं पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करवाती उसी प्रकार की ये सुविधाएं किसको प्रोवाइड करवाएगी सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड करवाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्या थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956।
तो इसको हम कई बार क्या कह देते हैं, IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टार्टिंग में हमने गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट क्यों किया, क्या ये जरूरी था कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री क्यों किया उसने, क्या वो जरूरी था? तो उसके कुछ कारण थे। तो देखिएगा क्या था हमारा, लैक ऑफ कैपिटल, क्या थी हमारे पास, पूंजी की कमी थी। टाटा और बिड़ला जैसे कुछ व्यक्ति थे जो क्या करते थे, उसमें इन्वेस्ट करते थे, तो इन्वेस्टर की कमी थी, पूंजी की कमी थी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इन्वेस्ट करने के लिए आ गया थे। तो इतने बड़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना था वो किसी के बस की बात नहीं थी। अब हम कह दें कि कई कई करोड़ रुपए लगाने थे हमें, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, बाघड़ा बांध जैसे डैम हमें बनाने थे, हमें और भी जितनी भी मशीनें हैं, लोहा इस्पात कारखाना लगाना था, तो उनके लिए भारी भरकम इन्वेस्ट की जरूरत थी। और ये इन्वेस्ट कौन कर सकता था, प्राइवेट व्यक्तियों की बस की बात नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति एक तो इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते, दूसरा उनके पास इतनी पूंजी नहीं, तीसरा पूंजी हो तो भी वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, छोटा नहीं। आज पूंजी लगाई तो उनको फ्रूट क्या चाहिए, आने वाले 5-10 साल में चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आज लगाई है आने वाले 70 साल के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तब तक तो उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो वो तो अपनी लाइफ में अभी डाला है बीज, तो अभी उनको क्या चाहिए, 5-7 साल में फ्रूट चाहिए। जबकि इरीगेशन फैसिलिटीज वगैरह नहरें लगाने में, पहले तो नहरों का जाल बिछाने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर नहरों से पानी गया या नहरों से जो हमें पानी से हमने बांध बनाया वहां पर हमने बिजली जनरेट की, उसके बाद वो बिजली घरों में गई, वहां से हमारे पास पैसा आया, तब कहीं जाकर हमें उसका फ्रूट मिलना स्टार्ट हुआ। तो प्राइवेट व्यक्ति इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ा, पैसे की कमी के कारण गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्या करना पड़ा, पार्टिसिपेट करना पड़ा। फिर है हमारा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, की इंड्यूसमेंट प्रेरणा, कि हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा ही कम थी। क्योंकि देखिएगा इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा कब होती है, जब लोगों को जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अब तो यहाँ तो क्या था, लोगों की इनकम क्या थी, लो इनकम, लो इनकम है तो क्या करेंगे, लो डिमांड, लो डिमांड है तो प्रोड्यूसर को क्या है, फायदा भी कम हो गया, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, लो इन्वेस्टमेंट। तो लो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके कारण फिर लो इनकम होगी और ये एक सर्कल चलता रहेगा। तो इस सर्कल को तोड़ने की जरूरत थी, और ये सर्कल कौन तोड़ सकती थी, ये सर्कल तोड़ सकती थी गवर्नमेंट, कि एकदम भारी भरकम इन्वेस्ट करने की जरूरत थी सर्कल को तोड़ने के लिए। गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया। फिर है ग्रोथ इन सोशल जस्टिस, अब सरकार चाहती थी कि हमारी ग्रोथ क्या हो सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है हम मुनाफा भी कमाएं लेकिन साथ में हमारा क्या हो, सोशल जस्टिस भी हो, गरीब को भी उसमें से मुनाफे में से कुछ फायदा होना चाहिए, वरना तो हम क्या है 1947 से पहले इस प्रकार से पिसते ही हमारा गरीब पिसता रहा, और आजाद होने का फिर क्या मायना रह जाएगा जब हम हमारा गरीब अभी भी पिसेगा, तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, इस गवर्नमेंट ये चाहती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की देखेगा, वो सोशल जस्टिस के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए स्टार्टिंग में गवर्नमेंट आगे आई, उसने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, और ताकि वहां पर प्रॉफिट का मोटिव तो रखा जाए लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाए, सोशल जस्टिस को दी जाए। तो इस प्रकार से ये वजह थी कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया, 17 जो उद्योग थे वो अपने पास रखे, तो उनको कि वो उद्योग रखे जो जरूरी थे, जो उसको लग रहा था कि ये उद्योग यदि प्राइवेट हाथों में गए तो उस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते जैसे हमने करनी चाहिए थी, जस्टिस नहीं हो पाएगा, इनकी डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था। देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।